दोस्तों सलमान खान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 बड़े बड़े धमाके करने वाला है। आपको बता दें शो में जिन कंटेस्टेंट की बात की जा रही है वो अपने आप में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं। इसके साथ ही बिग बॉस 16 की नई नई अपडेट जो सामने आ रही है उसको लेकर फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें 1 अक्टूबर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बिग बॉस 16 देख पाएंगे। बिग बॉस 16 में जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो अपने आप में काफी बड़े स्टार्स हैं। इसके साथ ही इनका शो में होना शो को सुपरहिट कराने की गारंटी लेता है। आपको बता दें बिग बॉस 16 में आपको देखने को मिलेंगे लॉकअप के विनर मुनव्वर फारूकी। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर फारूकी को लेकर काफी टाइम से सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है। लोगों का मानना है कि मुनव्वर अगर बिग बॉस में आते हैं तो शो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अक्टूबर 2022 से बिग बॉस का नया सीजन स्टार्ट हो रहा है जिसे एक बार फिर से सलमान खान होस्ट करने वाले हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि शो की पहली कंटेस्टेंट बन चुकी हैं कनिका मान। वहीं फैजल शेख से लेकर जन्नत जुबैर तक कई लोगों को इस शो में लिए जाने की चर्चा चल रही है। इस बार जो खबर आई है उसे सुनकर मुनव्वर फारूकी के फैंस को झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी का बिग बॉस 16 से पत्ता कट गया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिग बॉस 16 के घर की अनकही खबरें देने वाले एक ट्विटर हैंडल ने मुनव्वर फारूकी को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया। बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 16 के सदस्य नहीं बनने वाले हैं। उनकी डील चैनल से नहीं बन पाई और इसी वजह से वो शो में नजर नहीं आएंगे। पिछले काफी टाइम से मुनव्वर फारूकी लगातार ट्विटर पर बिग बॉस के चलते ट्रेंड हो रहे हैं। माना जा रहा है कि वो शो में नजर आएंगे, पर अब कहा जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी शो का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अभी तक इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और न ही ये खबर पुख्ता है कि मुनव्वर फारूकी शो में नजर आएंगे या फिर नहीं। इस बीच मुनव्वर फारूकी को लेकर कई सारी खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बताया जा रहा है कि बिग बॉस के घर में एंटर करने से पहले मुनव्वर ने अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला से ब्रेकअप कर लिया है। नाजिला और मुनव्वर का रिश्ता 1 साल तक चला और इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर ये खबर पूरे तरीके से छाई रही। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि बिग बॉस में जाने की मुनव्वर को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ही कर लिया है। अब ब्रेकअप की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन अभी जो फिलहाल खबरें आ रही है दोनों के ब्रेकअप को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाने को लेकर ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है ताकि बिग बॉस के घर में जाकर मुनव्वर को अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिले। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर फारूकी के ब्रेकअप से लेकर जो मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस की डील कैंसिल होने तक की खबरें हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मुनव्वर को लेकर कोई भी खबर कंफर्म नहीं है कि वो बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं, और इसके साथ ही उनका नाजिला के साथ जो ब्रेकअप हुआ है उस पर भी कोई खबर कंफर्म नहीं है। फिलहाल तो रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है कि मुनव्वर बिग बॉस 16 का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं क्योंकि चैनल के साथ उनकी डील नहीं हो पाई है। मुनव्वर अगर बिग बॉस में नहीं जाते हैं तो इस पर क्या राय है आपकी, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।